मांडू उत्सव 2019 के अंतर्गत आज दूसरे दिन साल का अंतिम रविवार होने के चलते बड़ी संख्या में देसी विदेशी पर्यटक परिवार के साथ मांडू पहुंचे थे। इस दौरान लोगों को वाहनों के जाम का भी सामना करना पड़ा और घंटों मशक्कत के बाद लोग अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच पाए। आज दूसरे दिन भी मांडू उत्सव में खासा उत्साह देखा गया। पर्यटन विभाग मध्य प्रदेश शासन की ओर से आयोजित इस वर्ष के मांडू उत्सव में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजनों के चलते पर्यटक बड़ी संख्या में दिलचस्पी ले रहे हैं। इस दौरान सागर तालाब, बनाना राइड, मीरा की जिरात पर पैराग्लाइडिंग एवं हॉट बलून के साथ ही जोरविंग बाल स्पर्धा का भी पर्यटक मजा ले रहे हैं। पर्यटकों की माने तो इस बार मांडू उत्सव खास है और उन्हें आकर इस सर्द मौसम में मजा आ रहा है। प्रशासन ने भी खासा इंतजाम किया हुआ है। वाहन चालकों के लिए चक्का जाम थोड़ी सी परेशानियों की वजह रही। आयोजन में कई स्कूली बच्चों ने भी ग्रुप के साथ पहुंचकर आनंद लिया। ऐतिहासिक धरोहरों के साथ ही मांडू उत्सव के विभिन्न आयोजनों का हिस्सा बने विदेशी पर्यटकों को भी काफी उत्साह इस बार मांडू उत्सव में नजर आया। वे भी विभिन्न साहसिक गतिविधियों एवं सांस्कृतिक कला संगीत आदि के आयोजन में भाग ले रहे हैं। आज भी शाम होते ही संगीत से जुड़े विभिन्न आयोजनों में प्रसिद्ध बैंड रघुराय के मैजिकल प्रेम जोशुन बैंड की प्रस्तुति में दर्शक झूमते नजर आए। वहीं देर शाम भरतनाट्यम का भी आयोजन है, जिसको लेकर सर्द हवाओं के बीच पंडाल में बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद है। Taking a tree apart, which they do on the main street while the music is playing. They are sawing a big tree and they're making awful noise. So I think Indians should be more aware of the impact of onto an environment of noise. And also I would like to propose for all India, not only on this festival, to be more careful about rubbish and environmental issues. Yeah, working on it. I hope so. I don't see so much of it. Yeah. But for example, what would be very nice would be a freshwater point here for visitors, so you don't have to buy plastic bottles and you can refill your water. Yeah. Even with payment, I saw it in the station. Okay, just wait a minute. Huh? Okay. तो आइए।
आप कब से हो मांडव के? मांडव तो 5-6 बार हो गया है। अभी आपको मांडव कैसा लगा? अभी तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर सजा हुआ है और ये कंसर्ट हो रहे हैं जैसे ये रोशन का कर रहा आज यहाँ पे ग्रेट शो का हो रहा है। आप और क्या मांडव उत्सव के बारे में और क्या बोलना चाहोगे? मांडव में कुछ कमी या कुछ बहुत सुंदर सजा हुआ है, सबसे बड़ी बात है बहुत सुंदर सजा है और ट्रैफिक वगैरह को लेके आप कुछ परेशान तो नहीं हो या मांडव में ट्रैफिक बहुत अच्छी व्यवस्था है? पूरे आप मांडव कैसा लगा आपको? और आप की सुंदरता कैसी क्या है? बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत सारे हिल स्टेशन भी गए, बहुत देखे और जो आज मांडू का जो लोकेशन था जो देखा वो तो मतलब दिल खुश हो गया। उत्सव को उत्सव के बारे में आप क्या कहना? उत्सव के बारे में ये बोलूंगी कि बहुत अच्छा मतलब बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पे और लोगों को आना चाहिए और इस टाइम पे जरूर देखना चाहिए, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है।